चलिए इस सफर को एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं और अब चलते हैं ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन के पास और जानते हैं वो कार में ABS और EBD सिस्टम के बारे में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। देखिए, ABS इज एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और ये सबसे पहले 1930s के अंदर एयरक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल किया गया था, ऑब्वियसली फॉर द यूज ऑफ एंटी स्किड सिस्टम जब वो लैंड करते हैं अंडर एडवर्स वेदर कंडीशंस। और वही एक फिलॉसफी अब हमारे को गाड़ियों के अंदर भी इनकॉर्पोरेट कर दी गई है और ये उसका मतलब भी यही है कि जिस वक्त हमारी एडवर्स सिस्टम कंडीशंस होती हैं ब्रेकिंग की, इसका मतलब है कीचड़ हो सड़क के ऊपर, तेल पड़ा हो, कच्चा पक्का हो एंड थिंग लाइक दैट, उस टाइम के ऊपर आप ब्रेक मारें तो व्हील्स लॉक नहीं होने चाहिए और व्हील्स जो लॉक हो गए तो गाड़ी स्किड कर जाएगी एंड इट गोज़ आउट ऑफ कंट्रोल, देन इट हैज़ इट्स ओन स्टेयरिंग। जिस तरह मोमेंटम चल रहा है गाड़ी का वो उसी तरह हो जाती रहेगी, यू विल नॉट बी एबल टू डायरेक्ट इट। और उसी को बचाने के लिए ABS इंस्टॉल किए जाते हैं और अक्सर हम लोग रिकमेंड करते हैं उन यूज़र्स को जो लॉट ऑफ हाईवे ड्राइविंग करते हैं, जिनकी गाड़ियों के अंदर ABS ज़रूर होना चाहिए। और अब एक बन गया है सिस्टम जिसके साथ ABS के साथ आपको एयरबैग भी दिए जाते हैं गाड़ी के अंदर, बिकॉज दे आर टू कनेक्टेड टू ईच अदर। ABS हो तो एयरबैग्स हो, एयरबैग्स के साथ आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, एयरबैग्स के साथ साथ आपको सीट बेल्ट्स मिलेंगी और सीट बेल्ट्स इन सम अपर एंड व्हीकल्स विल हैव प्री टेंशन सीट बेल्ट्स, विद रिजल्ट कभी ऐसा मौका हो जब एक्सीडेंट होने वाला हो तो ये तीनों चारों चीज़ें मिलके आपका एक्सीडेंट तो शायद ना बचा सकें बट एटलीस्ट अंदर के जो पैसेंजर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो देखा आपने, टूटू धवन के टिप्स हमेशा काम के होते हैं। अब लेते हैं आपके सवालों के जवाब। पहला सवाल हमें भेजा है रोहित ने पंजाब जालंधर से। इनका सवाल है, व्हाट इज द माइलेज ऑफ पल्सर 135 ऑन रोड? पल्सर का माइलेज को जानना चाहते हैं 135 के। रोहित, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 135 पल्सर की बात की जाए शहर में आपको 60 का, हाईवे की बात की जाए तो 70 का एवरेज आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये भी है कि आप अपनी बाइक को संभाल कर रखें, उसकी सर्विसिंग टाइम पर कराएं तो आपको उससे निराश नहीं होना पड़ेगा। और अब लेते हैं दूसरा सवाल जो कि हमें भेजा है हर्ष ने सूरत गुजरात से। हर्ष जानना चाहते हैं कि कौन सी गाड़ी इनके लिए बेहतर होगी। बजट है 8.5 लाख रुपये। कोई मैटर नहीं करता, ये MUV, सेडान, SUV, पेट्रोल या डीजल किसी भी ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। आपके लिए ढेरों ऑप्शन खुले हुए हैं, लेकिन हर्ष अगर बात की जाए मारुति स्विफ्ट आपके लिए बेहतर हो सकती है। 1197 सीसी का आपको उसमें इंजन मिलेगा, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है, 85 PS की मैक्सिमम पावर है, इंजन काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। माइलेज आपने जानना चाहा तो 13 से 17 का माइलेज आपको इसमें मिल सकता है और आपकी बजट की बात रही तो उससे काफ़ी कम पड़ेगी क्योंकि इसकी कीमत पड़ेगी 5,35,000 रुपये। ये गाड़ी काफ़ी बेहतर होगी। और अब लेते हैं इस सेगमेंट का आखिरी सवाल जो कि हमें भेजा है रवि अरोड़ा ने दिल्ली से। रवि 150 cc की बाइक खरीदना चाहते हैं, इनका बजट है 60 से 70 हज़ार रुपये। अगर 150 cc में आप जाना चाहते हैं रवि, तो आपके लिए पल्सर 150 काफी बेहतर हो सकती है। इसमें DTSI इंजन है, 149 cc का इंजन दिया गया है, माइलेज काफी बेहतर है, 62 का आपको माइलेज पड़ेगा और जो आपका बजट है ये गाड़ी उसमें फिट होती है। अगर आपकी भी कार या बाइक से जुड़ी कोई समस्या है या आपका कोई सवाल है तो आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए CMG लिखें, स्पेस दें अपना नाम या सवाल या फिर कोई कमेंट भेज दें 5499945 पर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं meri.gaadi@cnab.in पर। अगर आप हमारा एपिसोड नहीं देख पाए तो लॉग इन करें www.cnab.in पर, जिस पर आप पूरा एपिसोड देख सकते हैं। रफ्तार और रोमांच का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अभी देखिए ऑटो जगत की बड़ी खबरें फास्ट ट्रैक में। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अलविदा। वाहन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 1 अक्टूबर से अपने सभी मॉडलों के दाम बढ़ा दिए हैं। इनमें 3,000 से 8,000 रुपए तक की वृद्धि की गई है। कच्चे माल की लागत बढ़ने की वजह से कंपनी ने यह फैसला किया है। यूरोप में घटी कारों की बिक्री के चलते हुंडई मोटर भारत में अपना आधार मजबूत करने की जुगत में है। इसके तहत हुंडई कई नए मॉडल्स लॉन्च करने वाली है। वर्ष 2009 में कंपनी ने 5.4 लाख गाड़ियां बेची, जिनमें 2.9 लाख गाड़ियां घरेलू बाजार में बिकी थीं। अब ये संख्या बढ़ाकर 3.4 लाख तक पहुंचाने की योजना है। अब जल्द ही भारत की सड़कों पर सुपर कारों का जलवा देखने को मिलेगा, क्योंकि कार कंपनी बुगाटी जल्द ही अपने शोरूम भारत में खोलने जा रही है। कंपनी ने भारत में कार क्रेज को देखते हुए ये फैसला लिया है और हर साल 2 से 3 कारों के बेचने का लक्ष्य रखा गया है। चेन्नई की वाहन कंपनी TVS मोटर की बिक्री सितंबर माह में 30.78% बढ़कर रिकॉर्ड 1,88,005 वाहनों की रही। बीते साल सितंबर में कंपनी ने कुल 1,43,753 वाहनों की बिक्री की थी। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने सितंबर में 1,08,006 कारें बेची, जो किसी एक महीने में उसकी सबसे अधिक बिक्री है।